जिंदगी खतरनाक मुर्गी बनेंगे और अंडे देंगे। अरे अंडे नहीं देंगे हम लोग, तो लोगों को परेशान करेंगे। चलो बाहर निकलते हैं। अरे ये तो मुर्गी है ही नहीं, ये मुर्गी ही है। ये देखो ये बोल भी सकती है। चलो आगे चलते हैं। लेकिन ये तो बहुत मटक मटक के चल रही है। इस गेम में आगे एक अंकल मिलेंगे और हम उनको बहुत सताएंगे। अरे लेकिन इतना गंदा जूता किसको उठा लिया, फेंको इसको। इससे गंदी तो मेरे डैड की सॉक्स से बदबू आती है। देखो दोस्त मुझसे भी तो आ रही होगी बदबू, मैं तो 20 दिन से नहीं आया। बस इतना, मैं तो 1 महीने से नहीं आया। मैं तो नहीं बताऊंगा। अरे तुम लोग अपनी बातों में क्या लग गए, सामने देखो एक दरवाजा है। अरे भागो, ये क्या हो गया? बच गए वरना हमारा पेपर बन जाता। चलो शहर की तरफ चलते हैं और इंसानों से मिलते हैं। पता नहीं सारे इंसान कहाँ चले गए हैं। अरे चलो इस नदी को उड़ के पार करते हैं। अरे ये उड़ने के लिए नहीं है, पंख हवा करने के लिए है। हम लोग को तैर के जाना होगा। अरे ये गेम तो अब स्टार्ट हुआ है। अरे तो एक सावन की तरह लग रहा है, सावन। अरे वो स्वान होता है शिनचैन, सावन नहीं। ओके सुनीता। मेरा नाम सुनीता नहीं, नोबिता है। सुनीता 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 सुनीता। अरे ये क्या, सामने तो सैंडविच रखा है। क्या सैंडविच? सैंडविच का नाम मतलब मुझे सैंडविच पसंद नहीं। सैंडविच का पानी में डाला, मुझे सैंडविच देख कर गुस्सा आती है। अरे मतलब कितनी ओवरएक्टिंग करोगे, बस करो। चलो अब तुम लोग अपनी नौटंकी बंद करो और गेम को सही से खेलते हैं। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, भूचाल आ गया क्या? अरे सामने तो एक अंकल का घर है। अरे ये अंकल जी तो हमें देख ही नहीं रहा, इधर देखो। दोस्तों इसमें हम लोग को कुछ टास्क भी मिले हैं। ठीक, कितनी गंदी राइटिंग है, लग रहा है किसी ने अपने पैरों से लिखा है। सबसे पहला टास्क है गेट इनटू द गार्डन। अरे तो बात आसान है, चलो चलते हैं। अरे अंकल दरवाजा खोलो, खोलो इसका। अरे ये डोर तो लॉक्ड है। चलो उनको सारा सामान उजाड़ देते हैं, तो बाहर देखने आएंगे क्या होगा, तो हम लोग अंदर घुस जाएंगे। इनका ये टैप ऑन कर दो। अरे जल्दी बाहर आ जल्दी। चलो इनका सामान चोरी कर ले जाते हैं, तब तो जरूर आएंगे। मैं ये रेडियो ले जा रहा हूं। और अंकल देखो यहां पर आ भी गए। अंकल हमारे जाने फंस रहे, अंकल ने दरवाजा खोल दिया है। अरे अरे ये तो बहुत तेज भाग रहे हैं, इन्होंने तो हमसे रेडियो ले लिया। अरे हमें गार्डन के अंदर जाना है, जाने दो। अरे ये क्या है, हमें अंदर क्यों जाने दे रहे अंकल? अरे रास्ता चला अंदर घुस जाते। अरे 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 वाह, इन्हें तो हमें अपने घर में ही बंद कर दिया। गार्डन के अंदर घुसने वाला टास्क तो कंप्लीट हो गया हमारा। अगले टास्क की अंकल की चाबी चुराना, और वो चाबी उनके पैंट की जेब में रखी है। अरे अंकल जी इसके बदले में चाबी दे दीजिए प्लीज। अरे अंकल जी तो बहुत चलाक है। चलो दोस्तों चुपके से चल के चाबी निकाल लेते हैं। हाँ चलो 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 चलो। अरे वाह निकाल लिया, भागो। अरे मतलब चाबी चुराने वाला मिशन हो गया है। जल्दी भागो नदी की तरफ भागते हैं। एक टास्क था कि हमको अंकल को गीला भी करना है। अंकल जी हमारे पीछे आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, पानी में डूब मरो, जल्दी आओ। हमारे टास्क हो गया। पापा बूढ़ा अंकल पानी में घुस गया, आ गया बूढ़ा। अरे तो पानी में भी आ रहे हैं। अरे तो चाबी भी ले ली। ले लेने दो, हमारे टास्क तो हो ही गया है। और अब है अगले मिशन की बारी। अरे वो छोड़ो, आगे तो गाजर रखी है। अरे अंकल को तो हमारे यहाँ आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, शायद वो हमें कोई नॉर्मल जानवर समझ रहे हैं। अरे वो छोड़ो, पहले देखो इस मिशन में अंकल को हमें टोपी पहनानी है। अरे पर ये टोपी तो बहुत ऊंचाई पे है, नीचे और टोपी। अरे वो गाजर। अरे रुको दोस्तों अंकल को देते हैं। अरे अंकल जी ये गाजर ले लो और वो येलो वाली हैट लगा लो। अरे अंकल ने तो गाजर भी ले लिया, टोपी भी नहीं लगाई। अरे सामने तो एक रोज है, चलो इसको तोड़ लेते हैं, ये अंकल का फेवरेट लग रहा है। अरे तो झुक रहे, इनकी टोपी निकाल लो। ओ, ये तो टकले है। येलो टोपी हम रख लेते हैं, आप येलो वाली हैट लगा लीजिए। दोस्तों इस घास में छुप जाते हैं, वो अंकल देख नहीं पाएंगे। अरे क्या हुआ बूढ़े अंकल, क्या हुआ? हम लोग ने आपकी टोपी खा ली है, आप ये येलो वाली टोपी लगाइए। हाँ लगाइए, बहुत सुंदर लगेंगे इसको लगा के। लगाइए, ये हमारा येलो टास्क भी हो गया है। अरे शिनचैन अगर तुम्हारी मॉम ने ये सब करते तुम्हें देख लिया ना, तो तुम्हें एक जोरदार चाटा पड़ेगा। अरे वो चाटा कहाँ मारती है, पता नहीं कौन सा जादू करती है, बहुत दर्द होता है। मुझे वो दर्द अभी भी याद है। अगर तुम्हें करवाना हो तो मेरे घर आ जाना। अरे दास्ता चलो जल्दी मिशन करते हैं अगला, और इसमें हमें अंकल का हाथ तोड़ना है। जैसे ही वो हैमर ऊपर करेंगे हम लोग। अरे इन्हें तो अपने हाथ पे ही मार लिया, ये इनका हाथ टूट गया। अरे इनकी आंखें कहाँ है, मर गए क्या? अरे हमने ऐसा क्यों किया, हमने इनकी जान ले ली। अरे दोस्तों हम लोग को एक और टास्क करना है, हम लोग को अंकल को घर के बाहर बंद कर देना है। चलो फिर अंकल को घर के बाहर बंद कर देते हैं। अरे अंकल देखिए बाहर कुछ है। अरे भूकंप आ गया, जल्दी बाहर आइए। अरे ऐसे नहीं आएंगे, इनको रोज बहुत पसंद है इनका, चलो इनका रोज उखाड़ते हैं और बाहर जाके छोड़ देते हैं। हाँ आइए आइए, इधर आओ इधर। और अब इनको बाहर बंद कर देते हैं। अरे जल्दी करो ना, आ जाएंगे। और ये हो गया, बेब की नजर के सामने मैं आपका गार्डन उजाड़ दूंगा। चलो अगले लेवल चल के मजे करते हैं। पहले लेवल में तो मजा ही आ गई, मुझे लगता है अगला लेवल और भी ज्यादा अच्छा होगा। कौन है आप जो मुझसे लड़ना चाहेगा, किसी के अंदर दम है? मुझे लग रहा है कि बच्चा हमसे लड़ना चाहता है। अरे तो बहुत डर रहा है हमसे। अरे डरपोक बच्चे बीच सड़क में क्यों घूम रहा है? अरे ये तो नंगा है नीचे से। क्या हुआ बच्चा, चड्ढा खो गया क्या? क्या हुआ बच्चे, बॉल से खेलना है क्या? हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, आओ खेलें। आओ फुटबॉल खेले, आओ बच्चा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे अब तो ये हमसे डर ही नहीं रहा है।
चलो बहुत हो गया, अब देखते हैं कि टास्क क्या है। और पहला टास्क ये है कि हमें इस दुकान की आंटी का झाड़ू तोड़ना है। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे इसके अंदर से आवाजें आ रही हैं। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे इसमें तो शिजुका है, शिजुका। अरे पागल, वो मैं शिजुका की आवाज निकल रहा हूँ। देखो मैं ऐसे निकल रहा था। अरे नबुता, तुम तो एक नंबर के बुद्धू, और तुम्हारे जीरो मार्क्स आते हैं। हट पागल शिनचैन। अरे तुम लोग अब हटो, चलो आंटी को परेशान करते हैं, उनका झाड़ू तोड़ देते हैं। अरे ये तो हमें अपने झाड़ू से मार रही है। अरे हमारे ऊपर दया करो, हम बहुत कमजोर हैं। चलो इनके झाड़ू मुझसे पकड़ के तोड़ देते हैं। पकड़ लिया मैंने इनका झाड़ू, जो लगा के हाई शा। बस कंप्लीट, झाड़ू तोड़ दिया। अब आप हमें कैसे मारोगी? ठीक है, ट्रिपिंग द बॉय इन द पडल। ये क्या है ट्रिपिंग पडल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे नबिता, तुम फिफ्थ क्लास में हो, तुम्हें इतना भी नहीं आता। इसका मतलब है कि हमें इस डरपोक बच्चे को पानी में गिराना है। बच्चे आगे चलो, देखो आगे पानी पड़ा है, हम तुम्हें इसमें गिरा देंगे। जा फिसल जा पानी में। नाली को पानी पी के मजा ही आ गया होगा। बच्चे का तो चश्मा भी गिर गया। पर दोस्त, अगला टास्क तो बहुत ही ज्यादा फनी है। और वो है इस डरपोक से बच्चे को इस फोन बूथ में बंद करना है हमें। ये टास्क तो बहुत आसान है दोस्तों, तुम आसानी से कर देंगे। अरे ये तो मैं करूंगा, मुझसे भी ज्यादा डरपोक बच्चे को मैं डराऊंगा। वाह भागो वाह। जल्दी से जाओ, वरना जो छोटी सी चड्डी पहन रखी है ना, वो भी उतार देंगे। ये तो बहुत ज्यादा डरपोक है। अरे तो अंकल से हेल्प ले रहा है। अंकल अगर आपने उसकी हेल्प की तो मैं आपके चोच मार दूंगा। ए हट हट हट, चलो चल 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 चल। ए बच्चे चल, ए चल अंदर चल। अरे अंकल तो उस बच्चे की हेल्प कर रहे हैं। अंकल जी समझ नहीं आ रहा क्या आपको? बहुत बढ़िया अंकल जी, डर चुके हैं हमसे। जल्दी चलो बच्चे अंदर चलो, हमारा टास्क पूरा होने वाला है, चलो जाओ। बाय बाय बच्चे, अब तुम जिंदगी भर वहीं बंद रहोगे। इसमें मैंने अपनी मुर्गी का नाम भी रखा है, और इसका नाम है सुंदरी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर है। अरे दोस्तों, ये तो टीवी की शॉप है, और हम लोग के पास एक मिशन भी है जिसमें हमें टीवी पर आना है। चलो फिर रातों रात सुंदरी को फेमस कर देते हैं टीवी पर आकर। रातों रात हमारी सुंदरी एक्टर, अरे नहीं एक्ट्रेस बन जाएगी और फेमस हो जाएगी। अरे पहले शॉप के अंदर चलते हैं, फिर हम लोग पूरी दुनिया में लाइव दिखेंगे टीवी पे। पर इस शॉप के अंकल तो हमारे साथ कबड्डी खेल रहे हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। चलो दोस्तों जल्दी से घुस जाते हैं अंदर, और फिर टीवी पे लाइव आकर हम लोग अपना टास्क पूरा कर लेंगे। अरे सुंदरी बटन कहाँ है टीवी पे आने का? अरे वाह, ककड़क मैं फेमस हूँ, मेरा नाम सुंदरी है, ककड़क। अरे अंकल ने तुम्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरा टास्क तो कंप्लीट हो ही गया। अब हमें सबसे अपना फेवरेट काम करना है, जो कि है इस बच्चे को परेशान करना। और अगले मिशन में हम लोग इस बच्चे का टॉय चुरा के आंटी की शॉप में रखने जा रहे हैं। चलो फिर इस बच्चे के टॉय प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। चलो सुंदरी, ए बच्चे थोड़ी देर के लिए हमें अपना प्लेन खेल लेने दो, चलो बाय। अरे आंटी जी ये लीजिए, आपकी शॉप का टॉय दुकान के बाहर पड़ा था। अरे तुम्हें मानने लगी, अरे जाओ हटाया। अरे ये तो उस बच्चे का प्लेन को अपनी शॉप में उठा के रख रही है। ए बाबू, तुम्हारा प्लेन उधर आंटी के पास पड़ा हुआ, जाकर ले लो। किसी ने ये सोचा? इस बच्चे का अकल और शक्ल नबिता जैसा है, एकदम भरनू चश्मिश नबिता। बस सुंदरी की जगह ज्ञान की कमी है। अरे हट, मेरे बारे में बाद में बताना, देखो पहले बच्चा प्लेन लेने जा रहा है। अरे इसने तो अपना प्लेन उठा भी लिया। आंटी जी तो दौड़ के आ रही है उस बच्चे को पीटने के लिए। चल हम थोड़ा दूर जाके देखते हैं क्या हो रहा है। अरे आंटी ये मेला प्लेन है, ये मेरी शॉप का प्लेन है, तुम्हें क्यों दूं? अरे दो वरना मारूंगा। पैसे दे के लेना हो तो लो, वरना एक कंटाप मार दूंगा, अरे मतलब मार दूंगी। अरे लुको, मैं पैसे देता हूँ ना आपको, मुझे मेला ही प्लेन खरीदना पड़ा। दोस्तों इन शॉप वाली आंटी ने हमें झाड़ू से बहुत पीटा है, अब हम इन्हें इनके स्टोर रूम में बंद कर देंगे। अब आप अंदर बंद होके मर जाएंगी, ये लो बंद करो इसको। दोस्तों आगे गाँव है, वहाँ चलते हैं। चला सुंदरी, फिर मटक मटक के आगे बढ़ो, यहाँ पर तो बहुत सारे घर हैं। चलो फिर इसके अंदर चलते हैं। अरे लेकिन ये डोर तो खुल ही नहीं रहा है। अरे दोस्तों मुझे पता है कहाँ से घुस सकते हैं अंदर, यहाँ से घुस सकते हैं अंदर। चलो इसको तोड़ते हैं, फिर अंदर चल कर देखते हैं हमारी सुंदरी अंदर क्या धमाल मचाएगी। अरे हेलो, कोई है? मैं भिखारी हूँ, मुझे कोई खाना दे दो। इस घर में तो कोई नहीं है, कुर्सी पे आत्मा बैठी है। अरे ये आत्मा नहीं, आत्मा राम भिड़े है। अरे वाह बैट बॉल, अरे आओ भिड़े अंकल क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप नहीं आए तो हम आपको इसी बैट से मार डालेंगे। अरे भिड़े अंकल तुम्हारे साथ खेलने आ रहे हैं। चलो आप बॉलिंग करिए, मैं बैटिंग करूंगा। अरे नहीं आपको नहीं, हमें बैटिंग करनी आ रही है, बैटिंग करने जा रहे हैं। अरे दोस्तों क्रिकेट जाए बाहर में, अब हम लोग टास्क करके अंकल से मजे लेते हैं। सबसे पहले हम एक चोर बनेंगे और हम भिड़े अंकल का जूता चुराएंगे। अरे पीछे से कौन तक झक कर रहा है? अरे अंकल जी आपका ध्यान किधर है? आपका खरीदा हुआ पेपर वो पीछे से पढ़ रही है फ्री में। अरे आंटी जी यहाँ से जाइए। चलो सबसे पहले इनकी चप्पल चोरी करते हैं, जल्दी जल्दी चलो। और इनके पास तो आंखें ही नहीं है, ये तो जान भी नहीं पाएंगे, जल्दी चुरा भागो। जल्दी भागो, भिड़े अंकल भिड़ जाएंगे हमसे। अरे दोस्तों हमें दोनों जूते चुराने हैं इनके। अरे भिड़े अंकल आप भी नीचे से आ जाइए ना, अच्छा बुढ़ापा ये क्या कर रहे हैं? अरे भिड़े अंकल के पास तो मैजिक भी है। अरे अंकल दूसरा चप्पल भी दे दो, एक पहन के क्या करेंगे? अरे दे देना भिड़े अंकल, मैं आपका गुलाब की मार गोली हूँ। अरे वाह चुरा लिया, भागो। अरे हमारी सुंदरी ने चुरा लिया जूता। अरे ये कौन सा खुफिया रास्ता है? ये तो नानी के घर का रास्ता है, जो भी अंकल के पीछे से झांक रही थी। अरे बाप रे, इन्हें तो हमारे जैसी एक मुर्गी कैद करके रखी है। अरे हमारा अगला मिशन है कि ये मुर्गी जो रिबन पहनी वो हमें पहनना है। अरे दोस्तों चलो इसका रिबन निकाल लेते हैं और फिर हम पहन लेंगे। अरे पर हम कैसे रिबन पहने, हम तो पहन ही नहीं पाएंगे रिबन। चलो इस मुर्गी को उसकी जगह से हटा देते हैं और फिर इसकी जगह पे हम खड़े हो जाते हैं और फिर आंटी हमें धोखे से रिबन पहना देंगी। अरे आंटी मैं आपकी ही मुर्गी हूँ, मुझे प्लीज
प्लीज रिबन पहना दीजिए। अरे मेरे गले में खुजली हो रही है, ये तो बहुत प्यार से पहना रही हैं। अरे आंटी जल्दी पहनाइए, मेरा टास्क पूरा हो गया है। ये आपको लग रहा होगा कि हम आपकी मूर्ति है, हम आपकी मुर्गी नहीं है। लगता है आंटी सदमे में चली गई है। अरे दोस्तों हम लोग का अगला मिशन है कि जो अंकल चाय पी रहे हैं हमें घंटी पटन से करके इनकी चाय गिरा देनी है। जैसे अचानक से बुड़म आवाज होगी वैसे ये चाय थूक देंगे सारी अपने ऊपर। चलो 1 2 3। अरे वाह हम लोग का प्लान कामयाब हो गया। अरे अंकल जी आंटी का काम है, आंटी ने किया है सब। अरे दोस्तों ये जो आगे वास दिख रहा है ना ये हमें तोड़ना है, ये चोरनी आंटी का है। अरे दोस्तों इसको पटक के तोड़ देते हैं वास को। अरे पर सुंदरी के पास इतनी ताकत ही नहीं है, वो बहुत नाजुक सी है। चलो फिर भीड़े अंकल से हेल्प लेते हैं। यहाँ से हम लोग भीड़े अंकल तक जा सकते हैं। काश मैं उड़ सकता तब तो बहुत ही मजा आती। अरे ओ भीड़े अंकल मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये आपको आपके बगल वाले पड़ोसी ने दिया है जो कि आपके दुश्मन है। अरे तो वास फेंक के तोड़ दिए, हमारा मिशन भी पूरा हो गया। और इन्हें तो हमारा रिबन भी निकाल दिया। लगता है इन्हें चोरनी आंटी का कोई भी सामान पसंद नहीं। अरे आंटी जी आ रही है जल्दी छुप जाओ दोस्तों। अरे तुम भी एक नंबर की चोरनी हो, भाग ऐसे चोर कहीं की। चला इनका पेड़ खराब कर देते हैं, आंटी बहुत गंदी है, चोरी करती है, गंदी है बहुत ज्यादा। आंटी जी गलती से हमने आपका पेड़ खराब कर दिया है, आप इसको सही कर दीजिए आंटी। अभी आंटी अपना पेड़ सही करेंगे और पीछे हमने अंकल का रोज रखा है वो कट जाएगा। आंटी जी काट दीजिए ना, काट दिया रोज। ये तो अपनी सीजर छुपा रही है, हमने देख लिया है टिल्ली लिल्ली। अब हम अंकल को बताएंगे भीड़ अंकल इनने आपका गुलाब काट दिया। लड़ाई देखकर तो मजा ही आ रहा है। अरे अभी मुझे एक जरूरी बात करनी है। वीडियो को लाइक करो या तो सब्सक्राइब करो या तो कमेंट में लिखो सुंदरी ओपी। मिलते हैं अगली वीडियो में।